देने के लिए मथुरा गया। कंस को कर देने मथुरा गए और इधर कंस के यहां आपातकालिक मीटिंग हो रही है। कंस सोचा हमारा दुश्मन तो कहीं है पर मारा कैसे जाए। तो बकासुर की बहन बकी जिसका नाम था पूतना उसको बुला करके और उसके साथ मंत्रणा चली। इधर नंद जी कंस को कर दिए और वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और नंद जी महाराज को बधाई दिए। पर नंद जी महाराज अपनी खुशी प्रकट नहीं की। एक व्यक्ति कान से कम सुनता था तो घर वाले कहते थे देखो भैया कहीं जाया मत करो, पहले तो तुम्हें सुनाई भी नहीं देता, तुम बोलने भी नहीं जानते। एक दिन पता चला कि उसका एक मित्र बीमार है तो मित्र से मिलने के लिए घर के चोरी से भागकर चला गया। मित्र के पास गया, मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो भाई आप पधारे, बड़ी कृपा हुई। मित्र से पूछा क्या हाल चाल है, उसने कहा हाल चाल बड़ा गड़बड़ है, तबीयत बहुत खराब है। तो उसको समझ में आया, कह रहा है बहुत अच्छे हैं। उसने कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा है कि तुमको ऐसे समय का लाभ मिल रहा है। बहुत क्रोधित हुआ, मूर्ख मैं मर रहा हूं, मुझे कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा है कि तुमको ऐसा समय मिले। फिर पूछा किसकी दवा चल रही है, क्रोध में आ गया, कहा यमराज की दवा चल रही है। अब इसको तो सुनाई नहीं दिया, केवल ओठ के इशारे पर समझ रहा था। तो इसको लगा कि कह रहा है कि बहुत अच्छे डॉक्टर की दवा, बड़े अच्छे डॉक्टर के अंडर में तुम पहुंच गए हो, तुम्हारा कल्याण हो गया। सोचा तो बड़ा दुष्ट है, यमराज को अच्छा डॉक्टर बता रहा है। फिर पूछा तुम क्या खाते हो, और क्रोधित हो गया, बोले क्या खाता हूं, पत्थर खाता हूं। ओहो इतना सुपाच्य है जल्दी पच जाता है, कभी कभी किसी को बोलने भी नहीं आते, कहां कब कैसे कितना बोलना चाहिए। तो नंद जी ने कहा अहो ते देव की पुत्र कंसे न बहवो अता एकावशिष्टा वरजा कन्या सा पितिवन। एक बेटी थी महाराज, आपके उस बेटी को भी कंस नहीं छोड़ा। कंस कौन है, किसी हिंसायाम धातु है, कम सुखम सतीति कंसा। तो जीवन के आनंद को दुख में परिणित करे उसका नाम कंस है। जो देहात्मवादी है वही तो कंस है। नंद जी महाराज को वसुदेव जी ने कहा कि आप एक काम करो, जल्दी से गोकुल जाओ। क्यों, क्योंकि संतित पाताश्च, उत्पातों की आशंका है, इसलिए हम कह रहे हैं निकल जाओ। नंद जी वसुदेव जी की बातों पर विचार नहीं के तुरंत निकल पड़े। क्यों, क्योंकि वसुदेव जी कभी जीवन में असत्य बोलने वाले नहीं। वसुदेव कौन है, शुद्ध अंतःकरण, इंद्रियों का सन्निधान ही देवकी है और इंद्रियों का किनारा ही गोकुल है। गवाम कुलम इति गोकुलम, कुल माने किनारा। ये आध्यात्म का पूर्ण रहस्य दशम स्कंध में ही खुलता है और जितना वेदांत का बोध हो सब दशम स्कंध में घट जाएगा।
ये भगवान का लीला चरित्र है, लयनम लातीत लीला। टीकाकार जो लीन कर दे ना उसी का नाम लीला है। कंस ने पूतना को भेजा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगाती शिशु चचार निघ्नमूती पूरा ग्राम प्रजा। निघ्नंती प्रयोग है, निघ्नंती निघ्नंत्यौ निघ्नंत्या स्त्रीलिंग में मारती हुई। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी है, बालकों को मारने वाली पूतना है। पूतना को भेजा, अपने स्तन में ऐसा जहर लगाई है कि जिस जहर को कोई देखे तो मर जाए, गुरुदेव कहा करते थे। और खूब सुंदर श्रृंगार करके चरिताम केश बंधव्यति शक्त मंदि, ताम केश बंधव्यति शक्त मंदि प्रिहन्निति मस्तन कृच्च मध्यम सुवाससं कंपित कर्ण भूषण त्रिशूलसन तल मंडिता। इतना सुंदर रूप बनाकर चली महाराज, क्या कहा जाए। उतना ने बहुत से बालकों को मार डाला है, निघ्नंती मारते हुए आई है। एक रडार होता है ना, हर देश में एक रडार होता है, उसका काम, मैं तो बहुत विज्ञान जानता नहीं, उसका काम है विमान को खींचना, बाहरी विमानों। तो भगवान कृष्ण कौन है? रडार है। कृष्ण करसती इति कृष्ण, तो जबरदस्ती बलात् किसी को खींच ले उसी का नाम कृष्ण। खूब सुंदर श्रृंगार करके आई है पूतना। बालक गृहस्तत्र विचिन्मति शिशु यदृच्छया नंद गृहे सदंतकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसं ददर्श तल्पेग्नि निवाहितम्। जैसे मखमली म्यान में तलवार छिपाई जाए, वैसे ही अपने शरीर को छुपाई है लेकिन जहर लगाई। मैया यशोदा उस दिन छठी के दिन तेल हल्दी और तमाम सारी चीजें बांट रही थी। भगवान का जन्म किस तिथि को हुआ, कृष्ण का जन्म किस तिथि को हुआ, हैं कौन किस तिथि? यत पठितम तद गुरवे समर्पितम। श्रोता लोग हैं जरा इन लोगों को देख लीजिए, ये तो हाल हो गई भाई, स्कूल में मास्टर साहब इंस्पेक्टर साहब चेक इन करने आए, बोले कौन सी कक्षा है, बोले नवी कक्षा है, कौन सा पीरियड चल रहा, बोले हिंदी का, बोले अच्छा ठीक है बच्चों एक बात बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा? बच्चे बोले गुरु जी हमको पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। वर्ग मिनिस्टर को बताए बुलाए तुम्हें ही बता दो, बोले गुरु जी हमको भी पता। हुआ कि क्लास टीचर को बुला लिया, क्लास टीचर से पूछा गया मास्टर साहब आप ही बता दीजिए शिव का धनुष किसने। मास्टर साहब बोले देखिए हम छठवां क्लास के क्लास टीचर थे, हमारा प्रमोशन हुआ नौवें क्लास में आ गया, अब हमको पता नहीं, जब से हम छठवां में थे तब तक तो शिव की धनुष नहीं टूटी थी, अब नौवा में आ गए किसने तोड़ दिया हो तो भगवान। हुआ तब हेडमास्टर साहब को बुला लिया गया, हेडमास्टर साहब आप ही बता दीजिए। हेडमास्टर साहब बोले हम क्या कहेंगे, हम तो 3 महीने से मेडिकल लीव पर चल रहे हैं, हम जब से मेडिकल पर गए उससे पहले तो नहीं टूटा था, अब मेडिकल पीरियड में कोई तोड़ दिया हो तो भगवान। इंस्पेक्टर साहब सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान हिंदी के शिक्षकों को शिव का धनुष किसने तोड़ा ये पता ही नहीं। न्यूज देखते ना, जनवरी का स्पेलिंग लिखते हैं लोग, नटूरे नेचर का नटूरे फ्यूचर का फटूरे लिखते हैं। हाँ एक बार मास्टर साहब पढ़ा रहे थे अंग्रेजी एक क्लास में, NATURE बच्चों नटूरे नटूरे माने प्रकृति। तब तक हेडमास्टर साहब उसी से रास्ते से जा रहे थे,
हेडमास्टर साहब बोले, अरे मार साहब ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चों का फटूरे क्यों बिगाड़ रहे हैं, फ्यूचर। आजकल नटूरे फटूरे वाले ज्यादा पैदा हो गए। अरे जन्माष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म अष्टमी को और राम का जन्म, हाँ ऐसे बोलना चाहिए। आठ में छह जोड़ेंगे तो कितना होगा, चौदह। चतुर्दशी के दिन पूतना आई है। पूतना कौन है, पूतान अपि नयतीति पूतना, जो पवित्र आत्माओं को ले जाए उसका नाम पूतना है। पूतम नास्ति यासा इति पूतना, जो पवित्र नहीं है उसका नाम पूतना है। दुर्भाग्य था कि पूतना अत्यंत पापिनी थी, बाल घातनी। जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोट मैसूर पुर्ज। भगवान कृष्ण को ले ली, बोले मैया अरे थारो घर में लालो भेज रहा, लाओ लाला को देखोगी कैसा लाला है तुम्हारा, लाओ लाला। मैया ने देखा इतनी पढ़ी लिखी इतनी सुंदर है, तो भाई कहीं ना कहीं बड़े आदमी की ही पत्नी होगी। अब आपको कभी कभी रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे ना, जैसे मालूम पड़ेगा बहुत बड़े पदाधिकारी है, पता चलो स्मगलर है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो अब भगवान को ले ली और लेकर के देखने लगी, विबोध्यता बालक मालिका चरा चरा मासले नीली दक्षिणा। भगवान से जब ही आंख मिलाई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। इस पर हरिसूरी आदि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि विद्वानों ने 26 भाव प्रकट किए। भगवान ने आंखें बंद की, ऐसा क्यों? भगवान सोचे, हे प्रभु जब जब मेरा प्राकट्य हो रहा है तो पहली मुठभेड़ स्त्री से हो रही है, राम के रूप में आया कुछ करने के लिए तो मिल गई ताड़का, और कृष्ण के रूप में आया तो सबसे पहले मिल गई पूतना, और पूतना जहर लगा के आई है, और जहर पीने का हमें अभ्यास नहीं है, हम तो गोकुल में माखन मिश्री खाने आए थे, तो जहर पीने वाले तो भगवान शंकर हैं। आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया कि हे प्रभु आप इनका जहर पी लीजिएगा और मैं इनका प्राण पी लूं। एक संत ने कहा बात ये नहीं है, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भले कुछ भी हो पर दूध पिलाने का अभिनय करने आई है। दुनिया में तो दूध केवल माँ ही पिला सकती है, और कौन पिला सकता है, और माँ को मारना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। प्रभु ने कहा न देखूंगा न मारने का पाप लगेगा, इसलिए ठाकुर जी ने आंखें। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि पूतना बाल घातनी है, महान पापिनी है, ऐसे पापनी का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद। एक संत ने कहा ये बात नहीं, ये बात है। कहा क्या? भगवान की आंखें सूर्य और चंद्रमा है। तमद्भुतम बालकम अंबुज क्षणम, अंबुज क्षणम, दाहिनी आंख सूर्य है, बाई आंख चंद्रमा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वेपर लाइट पड़े तो इसकी आंखें फ्यूज हो जाए और यही प्रकट हो जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद। एक संत ने कहा बात ये नहीं, पूतना अविद्या है, और अविद्या की इतनी हिम्मत नहीं कि ब्रह्म की आंखों में आंखें डाल सके, इसलिए प्रभु ने स्वयं आंखें बंद कर लिया। अविद्या का प्रवेश प्राणी के शरीर में 14 मार्ग से प्रवेश करता है, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। पूतना आती कब है? जब नंद रूपी जीवात्मा कृष्ण रूपी परमात्मा को छोड़ करके जब कंस रूपी महान कामी के पास मिलने जाता है, तो इंद्रियां वासनाओं के जंगल में
घूमने लगती है तब अविद्या नाम की पूतना जीवन में आ जाती है। पूतना भगवान को स्तनपान कराना चाहिए। तस्मिन् स्तनम् दुर्जयम्। भगवान ने उसके स्तन को पकड़ के और जो ही दबाया, समझ गए रे तो सामान्य बालक नहीं है, तो बड़ा खतरनाक। आकाश में उड़ पड़ी। आकाश विद्या जानती थी। भगवान सोचे चलो बड़ा अच्छा हुआ, आकाश में तुम ही और मैं रहूंगा, फैसला वही होगा। मैया अपने काम में लगी है, तब तक पूतना लगी चिल्लाने सामुंच मुंचाल में प्रभासी निष्पिट माना खिल जीव मर विवृतर ते चरण भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्राक्ष। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लगी चिल्लाने ब्रजवासियों का कान फटने लगा। मैया खोजने लगी मेरा लाला कहाँ गया, छाती पीटने लगी यशोदा 80 वर्ष की उम्र में एक लाला भी हुआ है, हे प्रभु कहाँ चला गया। ब्रजवासी बोले आवाज कहाँ से आ रही है। तब तक कहते हैं प्रसार निगुष्ठे निज रूप अवस्थिता, अपने रूप में आकर के गोष्ठ में गिरी। कहते हैं कितने बड़े गोष्ठ में, पद्मानोपि तद्देह स्त्री गभ्युत त्रिगभ्युत मतलब छह कोष, एक गभ्युत में दो कोष, छह कोष मतलब 18 किलोमीटर की पूतना थी। चुरणया मास राजेंद्र, जितने पेड़ पौधे थे सबकी चटनी चोखा बना दी। सुखदेव जी कहते सब चटनी बन गए। तुरंत मैया ने दिखा, रे लाला मेरा उसी पर खेल रहा है। दौड़ करके जाकर मैया ने लाया, गोमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से भगवान को बेबी शैंपू से नहीं नहवाया, पंचगव्य से स्नान कराया और नहवाने के बाद गाय के पूंछ से न्यास किया। अब व्याद चौंगी मणि मास्तव जात्मत यज्ञच्युतः कटितटम जठरम मायास हृतके सबस्तदुर ईस इनस्तु कंठम विष्णुर भुजौ मुखमुर क्रम ईश्वर। अजन्मा भगवान मेरे बालक के मणिमान की रक्षा करें और भगवान केशव हमारे बालक के हृदय की रक्षा करें। भगवान अजन्मा हैं ऐसा मैया यशोदा को अनुभव हो रहा है। क्या बात है। अव्याद जुंग्र मणिमास्त हो जाने, भगवान हमारे बालक के जानु भाग की उरु भाग की रक्षा करें। लेकिन जो शरीर का विशेष अंग है उसका नाम हृदय, उसकी रक्षा कौन करे। बोले हृदय के सवाह, हृदय की रक्षा केशव करें। केशव कौन है, कश्च अश्च ईशश्च वसे यस्य स केशवः, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा के 50 गुण हैं, चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए। शिव के 55 गुण हैं, विष्णु के 60 गुण हैं, कृष्ण के 64 गुण हैं, कहीं कहीं 84 भी लिखा है, और श्रीमन नारायण के अनंत गुण हैं। ये सब अपने अपने उत्प्रेक्षाएं, लेकिन 64 गुण परिपूर्ण ही परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म श्रीमन नारायण कृष्ण ही है। इसलिए भगवान ने कहा एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान का पूतनाष्टक का पाठ करके भगवान के को न्यास कराया। इधर नंद जी महाराज आए तो उनके कान में चंदन की सुगंध, नाक में चंदन की सुगंध जा रही। बोले भैया इतना चंदन काट के कौन जलाया। बोले चंदन नहीं काट के जलाया गया, पूतना काट के टंगे से जलाई गई। दुर्गंधा, इतनी बड़ी पापिनी
इतनी बड़ी पापिनी, और जब भगवान का स्पर्श हुआ तो सुगंधा हो। पूतना की सारी कथा सुनाया लोगों ने। परीक्षित ने पूछा पूतना कौन थी, बोले राजा बलि की पुत्री रत्नमाला जो असमय अवस्था में विधवा हुई थी, भगवान वामन के सौंदर्य पर मोहित हो गई। काश यदि मेरा पुत्र इतना सुंदर होता तो मैं इसे दूध पिलाती। पर जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण करके संपूर्ण वसुंधरा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया तो सोचने लगी यदि मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं इसे जहर पिला के मार डालती। भगवान उसकी दोनों इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रज में बुला लिया। आदि पुराण के अनुसार काल भीरु राम के ऋषि की पत्नी थी मंथरा, ये जो पूतना, और आध्यात्म रामायण के अनुसार मंथरा ही पूतना हुई।